हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हुए हैं हमारी NCERT 7th क्लास इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड लेसन द टाइनी टीचर्स पार्ट 2 के MCQs की वीडियो लेकर। पार्ट 1 की वीडियो हमने पहले देख चुके हैं जिसमें MCQs हमने हल किए। अब पार्ट 2 में भी कुछ MCQs वन बाई वन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो ये हमारा ये सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि एंट है वो अविश्वसनीय है, वो इतनी जो है इंटेलिजेंट होती है और हार्ड वर्किंग होती है। तो सी हमारा जो है राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, अमंग वेरियस काइंड द कॉमनस्ट एंट इज, कि कई प्रकार से जो मुख्यतः एंट होती है वो होती है येलो और ग्रीन, ग्रीन एंड ब्लैक, रेड एंड येलो, ब्लैक एंड रेड होती है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, डी को हम जो है क्लिक करेंगे। क्वेश्चन थर्ड कहता है कि द स्मॉलेस्ट एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट इज द, यानी सबसे छोटा और जो बुद्धिमान जो इंसेक्ट है वो कौन है, फ्लाई है, मॉस्किटो है, वॉर्म्स है या एंट है। तो एंट है सबसे जो स्मॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड, तो एंट को हम जो है क्लिक करेंगे, डी हमारा जो है सही आंसर होगा। और नेक्स्ट है, एन एंट यूजेस इट फिलर्स और एंटीना टू, अपने फिलर्स और एंटीना को मुख्यतः किसके लिए जो वो प्रयोग करती है, टॉक टू फ्लाइज है, टॉक टू अदर एंट्स है, या पास मैसेज टू बीटल्स है, या रिसीव मैसेज फ्रॉम द मॉस्किटो है, यानी टॉक टू अदर एंट्स, वो दूसरी चींटियों को अपने संदेश देने के लिए, उनसे बातें करने के लिए वो अपने एंट्स और फिलर को, एंटीना को जो है वो प्रयोग करते हैं। बी हमारा सही आंसर रहेगा, टॉक टू अदर एंट्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, ईच एंट्स ग्रीट ऑल अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शंस बाय, यानी जो विपरीत दिशा से जो आ रही है एंट होती है वो एंट उसका जो अभिवादन करती है किस प्रकार से जो वो करती है। तो इसमें हमारा ए आंसर सही रहेगा, टचिंग देयर फिलर्स, उनके फिलर्स को टच करके वो अपना जो उनका ग्रेड्स करती है अभिवादन करती है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, इट इज क्वीन एंट दैट टेक्स रेस्ट या टेक्स हर बाथ या स्पेंड्स द नाइट या ले एग्स, यानी ले एग्स वो अंडे प्रदान करती है इसलिए वो जो है क्वीन एंट होती है। तो डी हमारा जो सही आंसर रहेगा, डी को हम जो है क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, द यंग वंस ऑफ एंट आर कॉल्ड, ये जो एंट्स के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, यंग वंस उनका सबसे छोटा होता है उनको क्या कहते हैं, गव्स, गव्स उनको जो है यंग वंस को गव्स कहते हैं। ये हमारा सही रहेगा, देर आर रिजर्व्ड क्वार्टर इन एंट हिल फॉर द, किसके लिए वो क्वार्टर बने होते हैं, श्रीकर्स के लिए, वर्कर के लिए, रेस्टलर के लिए, ऑल दिस, तो वर्कर के लिए उनके जो है वो काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनके लिए वो क्वार्टर बने होते हैं। तो हमारा बी सही रहेगा, वर्कर। ईच ग्रुप ऑफ एंट हैव अनफ टू ईट, अनफ टू स्पेयर, ए सेपरेट रूम टू लिव इन, या फिक्स ड्यूटीज, यानी हर ग्रुप की एंट के जो चींटी का हर ग्रुप होता है उनके अलग अलग ड्यूटीज होती है, उनके फिक्स होती है, तो फिक्स ड्यूटी इसके अंदर आ जाएगा, ईच ग्रुप ऑफ एंट हैव फिक्स्ड ड्यूटी, फिक्स्ड ड्यूटी उनकी ड्यूटी जो है वो फिक्स होती है, हर ग्रुप की, हर समूह की उनकी ड्यूटी जो है वो फिक्स की होती है पहले ही। द आंट्स नेवर ट्राई टू, वो क्या प्रयास नहीं करती हार्म टू अदर क्रिएचर, दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाने का, प्लीज द क्वीन गो आउट ऑफ एंट हिल, या हार्म टू अदर एंट, हार्म टू अदर एंट यानी वो एंट्स है वो किसी भी दूसरे एंट्स को जो है नुकसान नहीं पहुंचाती, कोशिश भी नहीं करती, हार्म टू अदर एंट्स। डी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, द एंट्स ट्रेन द ग्रीन फ्लाई टू गिव हनी ड्यू, इसके अंदर सी क्लिक करेंगे, टू गिव हनी
नेक्स्ट 12th हमारा जो है द एंट मिल्क द ग्रीन फ्लाई जस्ट एज वी मिल्क द काउ मिल्क द शीप या मिल्क द गोट इन नन ऑफ द दीज मिल्क द गोट सी हमारा सही रहेगा द आंट मिल्क द ग्रीन फ्लाई जस्ट एज वी मिल्क द गोट 13th है ह्यूमन बींग कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर्स हम मानो जो है वो टाइनी टीचर से क्या सीख सकते हैं हार्डवर्क है सेंस ऑफ ड्यूटी है एंड डिसिप्लिन्स है फेम लॉयल्टी टू अदर्स मदरलैंड है या ऑल दीज ये सारी बातें हम सीख सकते हैं हार्डवर्क भी सीख सकते हैं ड्यूटी के प्रति ड्यूटी फुल्स हैं लॉयल्टी टू अदर देयर मदरलैंड्स है ना ये सारी बातें तो ऑल दीज इसके अंदर आ जाएगा हम इसका जो है डी क्लिक करेंगे आई लाइक द लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर बिकॉज दीज आर द साइंस ऑफ एन सिविलाइज सोसाइटी ए सिविलाइज सोसाइटी इंस्पिरिंग या रिवोल्ट तो ये भी हमारा सही हो जाएगा ए सिविलाइज सोसाइटी इस प्रकार से बच्चों हमने जो है ये द टाइनी टीचर लेसन से संबंधित सेकेंड वीडियो भी देखी इस वीडियो को भी आप बार बार देखें और समझने का प्रयास करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर देखने के लिए फिर से तैयार रहें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका वेरी वेरी थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद